हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और आज हम निकल चुके हैं भारत यात्रा के लिए। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हम यूपी से लद्दाख जा रहे हैं, तो हम निकल चुके हैं। अभी हम रास्ते में हैं, तो अभी हम घर से लगभग 16 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। और सुबह ज़्यादा अंधेरा था इसलिए मैंने घर का ब्लॉग नहीं बना पाया है, तो अभी चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी बस निकलते हैं, चलो। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अपनी सारी प्रिपरेशन दिखा दी थी, बस अपनी साइकिल नहीं दिखाई थी। तो ये देखिए मेरी साइकिल। तो इसका नाम क्या रखे साइकिल का, आप लोग कमेंट करना। हम लोग पहुंच चुके हैं पचना देवी, और यही भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर पांच नदियों का संगम पाया जाता है, जो कि जालौन जिला में स्थित है। इसे पचनदा बोलते हैं। उसी पुल पर हम खड़े हैं। यहाँ पर पांच नदी, चंबल, यमुना, सिंध, बहु, कुंवारी, पांच नदियों का संगम यहाँ पर पाया जाता है। चलो चलते हैं आगे और देखते हैं, आगे के व्यू आपको दिखाएंगे। तो अभी घर से निकले ही थे कि साइकिल का पेडल टूट गया, अब दोबारा दूसरा डलवाना पड़ा है। देखो अभी नए डलवाए हैं। चलो चलते हैं आगे। तो अभी ना हवा अपोजिट में चल रही है, तो इसलिए थोड़ी टाइट साइकिल चल रही है। अभी मैं हनुमंतपुरा क्रॉस कर चुका हूँ, अब जा रहा हूँ चकन नगर की ओर। थोड़ा वहाँ पे एक ORS ले लिया था, पानी में डाल लिया है। इससे क्या होता है कि रिहाइड्रेशन नहीं होती है। चलो चलते हैं आगे। अभी चंबल के पुल के ऊपर चल रहे हैं, और नगर से हम लगभग 40 किलोमीटर निकल आए हैं। यहाँ से चकन नगर 3 किलोमीटर और होगा, तो चलो चलते हैं। ये चंबल नदी है और इसमें मगरमच्छ वगैरह पाए जाते हैं। अभी तो हल्की बाढ़ आई हुई है। यहीं पर एक डाकू हुई थी, फूलन देवी, नाम सुना हो शायद आप लोगों ने। उन्हें चंबल की रानी कहा जाता था। उनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है फूलन देवी के ऊपर, देखना आप लोग। तो बस चलते हैं, चलो चकन नगर पहुँचेंगे, फिर मिलेंगे। ये देखो चंबल का बेहड़ इलाका। अभी हम लोग यहाँ से आए थे और अब हम लोगों को यहाँ से जाना है। चलो चलते हैं, देखते हैं। बरसात में रास्ता भी खुद गई हल्की हल्की। चकन नगर केवल 2 किलोमीटर रह गया है, तो थोड़ा सोचा आराम कर लें, तो थोड़ा 2 मिनट के लिए रेस्ट लिया। हम चलो निकलते हैं। देखो वहाँ कितना ज़्यादा अफेल है, अब इसी पे चढ़ना है। देखो चलो चलते हैं, चढ़ते हैं ऊपर, पहुंचते हैं। आज जब से मैं घर से निकला हूँ तब से ये तीसरा पुल है चंबल का, पहले यमुना का, फिर पचनदे का, फिर चंबल का, और अब फिर यमुना का बेहड़ है। बेहड़ इलाके में क्या होता है ना कि अपहिल और डाउनहिल ज़्यादा होते हैं, तो आज थोड़ी थकानी महसूस हो रही है, और आज पहला दिन है ना, इसलिए अभी मैं जिस ढाबे पर रुका था वहीं 2 भाई मिले हैं, रोहित भाई और अवनीश भाई। तो अभी उन्होंने समोसे वगैरह खिलाए हैं, तो थैंक यू भाई। आप हम हैं, प्राचीन सिद्ध मंदिर है कोई हनुमान जी का, यमुना घाट टकरूपुर में है। देखो मंदिर है वहाँ पे। चलो भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे का सफ़र चालू करते हैं। चलो मंदिर पर आराम करने के बाद हम निकल चुके हैं, चलो चलते हैं आगे। बहुत देर आराम कर लिया मंदिर पे। एक बाबा मिले थे, बहुत बढ़िया बातें कर रहे थे, उन्होंने ही रास्ता बताई हमें सही। लखना है 3 किलोमीटर। अभी हमने लखना और वकेवर को क्रॉस कर दिया है, जा रहे हैं इटावा की ओर। देखते हैं अभी हाईवे मिलने वाला है बोल रहे थे लोग, तो अभी हम इटावा के लिए हाईवे पर चढ़ चुके हैं। सर्विस रोड पर चल रहे हैं, उस साइड देखो हाईवे है। चलो चलते हैं आगे।
तो इटावा से 2 किलोमीटर पहले एक जगह है पिलखन नाम से, वहीं एक मंदिर है गौरैया माता का मंदिर, तो वहीं पर रात रुकने के लिए जगह मिल गई है। देखो ये मंदिर आपको दर्शन कराते हैं गौरैया माता के। तो बस यहीं आज रुक, ये देखो कितनी जगह है यहाँ पर, चाहे कहीं रुक जाओ। ये अपनी खड़ी है रामप्यारी, ये हाईवे है, ये कुछ फ़ोटो हैं उन लोगों की जिनसे मैं रास्ते में मिला था। थैंक यू भाई आप सभी लोगों को जिन्होंने भी मुझे आर्थिक या मानसिक कैसा भी सहयोग दिया है, आप सभी को थैंक यू भाई।